शायद उनका अंदाजा भी अपनी जगह होता कि मैं 370 और 35 ए को इनके साथ हाथ मिला के ही बचा लूं। मैं नहीं कह सकता हूं कि उनका तय अंदाजा सही नहीं होता, शायद मौत ने उनको फुर्सत नहीं दी, ये भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद बार बार हम कहते रहे कि साहब किसी की मजाल नहीं है, किसी की ताकत नहीं है। यहां तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जोमा 27 जुलाई 2019 को वजीर आजम हिंद से मिले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला साहब और उनके दो पार्लियामेंट के साथी। आज तक वो क्यों नहीं हमें बता रहे उनको वजीर आजम ने क्या कहा? क्या ये आपका हक नहीं है जानना? वो आपके पास आते हैं कि साहब हमें वोट दे दो, हमारी जमात को सपोर्ट दे दो। क्या ये जरूरी नहीं है आपके लिए उनसे पूछना? हमें ये भला बताइए जो आप 27 जुलाई को मिले दिल्ली में, आपको क्या वजीर आजम ने बताया कि जो आज तक भी आप पर्दे में रहते हैं? कोई भी साथी हमारे हैं, ये लोगों की खिदमत करके